सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत साइबर थाना पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी नाइजीरियन युवक अका लैंड्री जॉन एवेचे गेदोन और एमबीए और उत्तर प्रदेश का रहने वाला जाबिर है। वहीं गिरफ्तारी आरोपियों से पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा हुआ है कि इन्होंने देश भर में अभी तक नौकरी का झांसा देकर 500 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 9 दिन के रिमांड पर लिया है ताकि गहनता से पूछताछ की जा सके और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। आपको बता दें कि सोनीपत निवासी महिला आकांक्षा ने 17 जुलाई को साइबर थाने में शिकायत दी थी कि अज्ञात लोगों ने विदेश में नौकरी का झांसा देकर उनके साथ 7,65,000 का फ्रॉड किया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर गहनता से जांच शुरू कर दी थी। अभी तक इस मामले में 5 विदेशी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो सभी नाइजीरिया के रहने वाले हैं और बेंगलुरु कर्नाटक में मकान किराए पर लेकर ये लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। वहीं इसी मामले में फिलहाल पुलिस ने 3 विदेशियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे बड़ा खुलासा हुआ है कि अभी तक उन्होंने पूरे देश भर में विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की है। वहीं इन आरोपियों से 20 मोबाइल फोन, 2 लाख से ज्यादा कैश और 55 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। सोनीपत 24 के लिए शाम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। 17 जुलाई को साइबर थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जॉब का फ्रॉड 7,65,000 रुपये का किया गया था। तो इस संबंध में वर्तमान में हमने 3 नाइजीरियन मूल के व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं और 1 भारतीय व्यक्ति गिरफ्तार किया है। ये एक्चुअली जो जॉब फ्रॉड होता है, ऑनलाइन फ्रॉड, उसका ये कंप्लेन था। इसमें इन्होंने 7,65,000 रुपये जो महिला के थे उसके अकाउंट से निकल गए थे। उससे कहा गया था कि आपकी विदेश में जॉब लगाई जाएगी, इसके बाद उसके अकाउंट से इन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिए थे 7,65,000 रुपये। और वो भारत में गया है, 2 जगहों से विड्रॉल हुआ था, एक बेंगलोर से और एक हुआ था दिल्ली से। तो उसमें बेंगलोर से हमने पहले एक नाइजीरिया मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके अलावा उसी मामले में उत्तर प्रदेश में दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई, जहाँ पर फिर उत्तर प्रदेश से हमने एक और मुजरिम गिरफ़्तार किया। उसके अलावा वर्तमान में 3 नाइजीरिया मूल के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है और कहाँ से रहने? नाइजीरिया मूल के व्यक्तियों में एक है एका आइवरी कोस्ट का, इसके पास पासपोर्ट है पर यह वास्तव में नाइजीरिया का है। इसके अलावा एक जॉन उर्फ वैचे है, ये भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, ये नाइजीरिया के लेगोस शहर का है। एक मैक्स व्यक्ति है, ये भी नाइजीरिया का है। और एक चुक्स व्यक्ति है जो भी काफ़ी साल से भारत में रह रहा है, ओरिजिनली नाइजीरिया का है पर वर्तमान में भारत में ही शादी करके भारत में ही रह रहा है। अब तक क्या खुलासा, क्या कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं? एक्चुअली अभी तक जो इन्होंने कबूला है, तो इनके फ़ोन से हमें काफ़ी मात्रा में डेटा मिला है, जिसमें अलग अलग इनको कोई व्यक्ति सूचना दे रहा है, जिसमें काफ़ी वारदातें 500 से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वारदातें लगभग सामने आई है देश भर में। तो इनके फ़ोन में बहुत सारा डेटा है जिनमें अलग अलग व्यक्ति इनसे संपर्क कर रहे हैं और इनको कैश निकालने के लिए कहा जा रहा है, कैश किसी और खाते में जमा कराने के लिए कहा जा रहा है। साथ में ये भी पता लगा है कि ये कैश को जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफ़र करके उस तरह से भी विदेश में भेज रहे थे। ये किस वीज़ा के बेस पर इंडिया में आए हुए थे? इनके पास, एक व्यक्ति के पास आइवरी कोस्ट का टूरिस्ट वीज़ा है और बाकी 2 के पास नाइजीरिया का टूरिस्ट वीज़ा है। सर क्या क्या वीज़ा की चेकिंग की गई? वीज़ा खत्म तो नहीं हुआ सर? हाँ, इनका वीज़ा जो है 2 लोगों का तो एक्सपायर हो चुका है और एक व्यक्ति के पास OCI कार्ड है जिसने नाइजीरिया मूल के मोबाइल बरामद हुआ। हाँ, इनके पास से अभी तक कुल 2,67,000 रुपये नगद, 55 डेबिट कार्ड और 20 फ़ोन की बरामदगी हो चुकी है। पैसे भी रिकवर किए? हाँ, 2,67,000 रुपये अभी तक इनसे बरामद किए। कितने पैसे उसका पता लगाया जा रहा है? एक्चुअली बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि ये सिर्फ इसी मुकदमे से संबंधित नहीं है, बाकी अन्य देश भर में काफ़ी मामलों में इन्होंने फ्रॉड किया है। लिया गया है या लेने वाले? हाँ, इन्हें ये ऑलरेडी पुलिस रिमांड पर ही हैं। कितने दिन? ये 9 दिन, 1-10 दिन, 9 दिन की पुलिस रिमांड पर है। उन्हें रिमांड पर लेके ही काफ़ी जगह दबिश दी गई। ये एक्चुअली अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय पर भारत आया है। जैसे एक व्यक्ति है वो 2007 में ही भारत आ गया था, इसके अलावा एक व्यक्ति 2012 में भारत आया था,
और एक व्यक्ति 5 साल पहले भरा था। सर ये कारण क्या था जो ठगी में उसके काम के था? क्या करने पहुंचे? क्या कारण था जो ठगी को अंजाम देते थे? ठगी तो हमेशा इकोनॉमिक बेनिफिट ही है फाइनेंशियल फ्रॉड का रीज़न, आसानी से जो है पैसा मिल जाता है। एक्चुअली इनका देखा जाए तो एक मल्टी लेयर्ड नेटवर्क है, जिसमें कुछ व्यक्ति हैं जो अकाउंट डिटेल्स सप्लाई करते हैं, अकाउंट के कार्ड्स डेबिट कार्ड्स वगैरह सप्लाई करते हैं। कुछ व्यक्ति है जिनका काम यह है कि सिर्फ वो ATM से जाके कैश विड्रॉल करते हैं। कुछ व्यक्ति उस कैश को किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं अपना कमीशन काट के, और फिर वो जो अलग व्यक्ति है वो उस अमाउंट को वर्चुअल करेंसी में या दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके आगे भेज देता है। इनमें सर को मास्टरमाइंड भी है? इनके मास्टरमाइंड भी कुछ व्यक्ति जो हमने एडिशनल आइडेंटिफाई किए हैं, जो अभी हाँ उनकी गिरफ्तारी बकाया है, तो पता लगा है कि वो भी शायद नाइजीरिया मूल के हैं और नाइजीरिया में ही बैठे हैं। इनके विदेशों में भी संपर्क है? क्या कह रहे हैं? विदेशों में संपर्क है? हाँ, ये विदेशी मूल के व्यक्ति हैं, विदेशों में आते जाते रहते हैं, उनके संपर्क हैं। हमारे देशवासियों में सर देश में आए हैं तो यहाँ पे किसी के सर जो हम दिल्ली में रहे हैं या कहीं और भी रहे हैं, वहाँ के लोकल व्यक्ति को भी लिया गया सर, ये अपना ही नेटवर्क काम कर रहे हैं? नहीं, मतलब जैसे यूपी से भी हमने गिरफ्तार किया है, जैसे जो ये व्यक्ति है जाबिर उर्फ जगमेंदर, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का, ये भारतीय मूल का है। पहले एक जावेद नाम के व्यक्ति को भी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया था। तो ये सबका एक बड़ा नेटवर्क है एक्चुअली। और खुलासा होने की उम्मीद है? हाँ, अभी इसमें और भी गिरफ्तारियां और खुलासा बिल्कुल होगा। किराए पे लेते थे, कैसे करते थे? हाँ, मकान उन्होंने किराए पे लिया। नहीं, अकाउंट जो अकाउंट जिनमें अकाउंट किराए पे नहीं, अकाउंट क्या है कि बहुत सारे अकाउंट हैं किराए पे नहीं, खरीद लेते थे। वो ऐसा होता है एक साइबर क्राइम में कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनकी IDs वगैरह कोई ले लेता है, उनके नाम से अकाउंट खुलवा देता है और उनको पैसे दे देता है कुछ, और ये उस अकाउंट को कुछ व्यक्ति हैं जो फर्दर अपना प्रॉफिट ऐड करके किसी और को बेच देते हैं, वो ये अकाउंट उनसे ले लेते हैं और उनका फिर मिस यूज़ किया जाता है। करोड़ों की ठगी कर चुके हैं? हाँ, आराम से। पकड़ा है, दिल्ली से भी पकड़ा है, तो अलग अलग स्थानों पर, दिल्ली में भी काफ़ी स्थानों पर दबिश दी गई थी। तो इनका एक नेटवर्क है, आपस में व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े रहते हैं। टोटल कितने सदस्य गिरफ्तार होंगे? अभी तक टोटल 9 सदस्य अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नेटवर्क में कितने चिन्हित किए हैं हमने सर, कितने होंगे चिन्हित? मतलब अभी हमने 4 और एडिशनल जो विदेश में बैठे हैं ऐसे अपराधी चिन्हित किए हैं। उनको कैसे पकड़ा जाएगा? उनकी भी अभी डिटेल्स निकलवाई जा रही हैं। इसके अलावा इनके जो मोबाइल बरामद हुए हैं उनके जो नंबर हैं वो हम जो I4C हमारा MHA का एक प्लेटफॉर्म है साइबर कोऑर्डिनेशन के लिए, उन्हें हम शेयर करेंगे। तो अन्य किन मुकदमों में ये नंबर शामिल थे उनसे उनका खुलासा होगा, तो ये अभी अनुसंधान का विषय है। तो सर पूरे देश भर में जो आप बता रहे 500 से ज़्यादा वारदात हैं, तो जो बचे हुए थाने सर में भी संपर्क किए जा रहे हैं? हाँ, वो I4C से जब भी डिटेल आ जाएगी कि किन किन FIRs में इनका नाम है, क्योंकि इनके मोबाइल में हमें ट्रांजेक्शन्स मिले हैं कि मोबाइल में इनके पास बहुत सारे संदेश अलग अलग विदेशी और देश भारतीय नंबरों से आए हुए हैं, उनके बारे में हमें डिटेल मिलेगी तो हम संबंधित पुलिस के पास सूचना भेज देंगे और वो अपना मामला रजिस्टर कर लेंगे, या उन्होंने पहले से ही अगर रजिस्टर किया हुआ होगा तो वो इन्हें हिरासत में।